हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्मार्ट स्पोर्ट। दोस्तों आज मेरे पास एक केयर कैम है, आप देख सकते हैं ये कैमरा नया आया है मार्केट में। आज मैं इसको बताऊंगा आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी गारंटी है 1 ईयर की। तो भाई कैमरा थोड़ा पास ले, ये कुछ इस तरह का था। इस तरह का कुछ कैमरा है, यहाँ पे इसकी डिटेल मिल जाएगी आपको देखने को। और साथ में चार्जर, नीचे स्टैंड मिल जाता है। स्टैंड इसमें नहीं आया क्योंकि जिनसे इन्होंने परचेज किया था वो स्टैंड उन्होंने नहीं दिया, तो मंगवा रहे हैं वापस। लॉगिन कर लेते हैं इसे। तो कैमरा हमारा इंस्टॉल हो चुका है, मैंने प्लग इन कर दिया इसे। अब आपको बता देता हूँ इसमें एप्लीकेशन कौन सी चलेगी। तो इसकी एप्लीकेशन आपको इजी प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कैम व्यू है, इसमें एक फ़ायदा है आपको, आप इसमें आईडी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद बार बार पासवर्ड या साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है। प्ले स्टोर से आप इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। मैं आपको प्ले स्टोर पे भी दिखा देता हूँ एक बार। प्ले स्टोर, केयर कैम प्रो, इसमें 2-3 तरह के मॉडल आते हैं। हमारे पास जो मॉडल है ये केयर कैम प्रो को सपोर्ट करता है। यहीं से हम इसे ओपन कर लेंगे, हमने आईडी बना रखी है इसमें, और क्लिक करेंगे तो प्ले हो जाएगा। इसमें अगर आपको ये आईडी शेयर करनी है किसी को, तो मैं आपको पहले 2 ऑप्शन बता देता हूँ। अगर आपको कैमरा ऐड करना है तो आप यहाँ पर कैमरा ऐड पर जाएंगे और कैमरा सेलेक्ट करके वाईफाई कैमरा पर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपका कैमरा ऐड हो जाएगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप अपना कैमरा ऐड करें, अगर आपके यहाँ पे जियो या एयरटेल का कोई भी नेट लगा हुआ है तो कभी भी 5G से कनेक्ट ना करें। ये 4G को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि जो इसकी कैपेसिटी होती है इंटरनेट की वो 2.4 GHz से ज़्यादा नहीं होती। तो अभी हमारा कैमरा रेडी है, कैमरा चल चुका है। मूव आप स्क्रीन के हिसाब से कर सकते हैं, वो आपको पता ही है, और ईजी है थोड़ा। गारंटी है 1 ईयर की। अगर आपको किसी को आईडी शेयर करनी है तो वो भी आप यहाँ से आईडी शेयर कर सकते हैं। ये देखिए शेयर का ऑप्शन मिल गया हमें, और हम शेयर कर सकते हैं यहाँ से। हमें अगर आईडी शेयर करनी है आईडी, और बारकोड शेयर करना है बारकोड। अगर किसी और के फ़ोन में चलाना है तो वो खुद अपनी आईडी क्रिएट करके हम उसे बारकोड दे देंगे, और वो यहाँ से स्कैन करके आराम से चला सकता है अपने फ़ोन में कैमरा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।